गांधार महाभारत का खोया हुआ राज्य। महाभारत काल में गांधार एक महत्वपूर्ण जनपद था जो आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हिस्सों में फैला हुआ था। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी जो शिक्षा और संस्कृति का केंद्र माना जाता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय उस समय के प्रमुख शिक्षा संस्थानों में से एक था जहाँ विभिन्न विषयों की पढ़ाई होती थी। महाभारत में गांधार का महत्व इस बात से भी स्पष्ट होता है कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी इसी जनपद की राजकुमारी थी और उनके भाई शकुनी गांधार के राजा थे। इस संदर्भ में गांधार न केवल राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण था बल्कि व्यापार और आयुर्वेद चिकित्सा में भी अग्रणी था। गांधार को भारत का दरवाजा कहा जाता था क्योंकि इसी मार्ग से व्यापारी और यात्रियों का आना जाना होता था। आज का कंधार जो अफगानिस्तान में स्थित है उसी प्राचीन गांधार का आधुनिक रूप है। ये जानना दिलचस्प है कि प्राचीन भारत की सीमाएं कितनी विस्तृत थीं और इसमें कितने समृद्ध राज्य शामिल थे। आज हम केवल वर्तमान भारत की सीमाओं तक सीमित हैं, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि कभी हमारा भूगोल कितना व्यापक और विविधतापूर्ण था।